हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं अपने पूरे दिन का रूटीन आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज सुबह वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था, जैसे कि रेन होगी इस टाइप से वेदर था, और सुबह और स्टिल ठंडा है वेदर, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है उसमें अगर सुबह का वेदर आप देखें तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं अर्ली राइज़र हूँ और मैं सुबह उठती हूँ और अपनी बैल्कनी में 5 से 10 मिनट ऐसे ही बैठ के इधर उधर देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है मटर और आलू की सब्ज़ी, जिसे बंगाली में घुगनी कहते हैं, तो मैंने आज उसी को बनाया है और इसे हम पूरी के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरियों को बेल लिया है, तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो इसी के बीच में मैंने श्री को भी रेडी कर लिया है, और श्री का जो सुबह का जो रूटीन है वो सब मैंने आप पहले शेयर कर रखा है, तो वही मैंने कर लिया है। तो श्री का स्कूल में स्पोर्ट्स है जिस वजह से इसके यूनिफॉर्म इस टाइप से रहता है, तो वो जिस हाउस की है तो उस हाउस का कलर येल्लो है, तो येल्लो उसने उसका टी शर्ट है और नीचे ट्रैक पैंट रहता है, तो वही उसने ड्रेस पहन लिया, और दूर में उसका स्कूल बैग है। तो मैं उसे जैसे कि मैं ऊपर से ही उसे टाटा बाय बाय कर देती हूँ और उसके पापा उसे छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही श्री नीचे उतर रही है। और आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं लिया जिस वजह से श्री मुझे बोल रही है कि मम्मा आपने न्यूज़पेपर नहीं लिया, ले लीजिए, तो बस मुझे दे रही है तो मैं न्यूज़पेपर ले रही हूँ। तो न्यूज़पेपर वाला हमारे यहीं पे हमारे ऊपर के हमारे और भी फ्लोर्स में जो घर है वहाँ पे सारे न्यूज़पेपर यहीं पे रख देते हैं, जिनका न्यूज़पेपर रहता है वो ले लेते हैं खुद ही। तो श्री अब नीचे चली जाएगी और बाद बाकी जो मेरा काम है वो मैं निपटा लूँगी। तो आज लंच में मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई है, ओल की सब्जी है ये, ओल और आलू को मिक्स करके मैंने एक सब्जी बनाई है। और यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो बेसन को मैंने पहले से बना के ढक के रख दिया था, तो बेसन सेट हो चुका है, अब पकौड़ी के लिए मैं तल लूँगी। तो मैंने थोड़े से पकौड़ी तल लिया है और बाकी का भी मैं सेम तल लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने कुकर में राइस को बिठा दिया है, तो हम दोपहर को राइस ही खाते हैं, इसलिए मैंने राइस को मैं कुकर में ही बनाना पसंद करती हूँ और बहुत अच्छे खिले खिले राइस बनते हैं। तो चलो मैंने राइस को कुकर में बिठा दिया है और साथ ही मैं धोखे की रेसिपी बनाऊंगी, जो कि मेरी डॉटर की फेवरेट रेसिपी है, वो इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो जिस वजह से मैं आज धोखा भी बना रही हूँ साथ ही साथ। तो धोखे के लिए जो रेसिपी है वो मैंने पहले ऑलरेडी शेयर कर रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो धोखे की रेसिपी ये इंस्टेंट रेसिपी है, अगर आपको दाल भिगो के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत अच्छा है, जल्दी बन भी जाता है। तो आज धोखा भी बन रहा है साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला दही, ये मिष्टी दोई है जो कि मिट्टी के घड़े में नहीं मिलता है, ये यहाँ का मुर्शिदाबाद का फेमस दही है जो कि आपको बाँस की टोकरी में मिलता है, जिसे यहाँ पर झूड़ी पाता दोई बोलते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होता है, पूरा लेयर रहता है मलाई का और उसके बाद दही रहता है। अगर आप कभी मुर्शिदाबाद आते हैं तो ज़रूर इस दही को ट्राई कीजिए, क्योंकि इतना टेस्टी होता है, क्योंकि मतलब कि
मन भर जाता है। और इसे मतलब ठंडा करके मैंने फ्रिज में रखा था और अब हम इसे राइस के साथ खाएंगे। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इतना गाढ़ा और इतना टेस्टी होता है मैं आपको बता नहीं सकते, माउथ वाटरिंग, मतलब अभी मैं आपसे बोल रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ जा रहा है, इस टाइप का है। तो मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊँगी, एकदम गाढ़ा रहता है ये। तो एसी ऑन होते ही मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं भी उनके साथ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड देन बाद बाकी जो काम रहेगा शाम का उसके लिए बाद में प्रिपरेशन करूँगी। तो मेरे दोनों बच्चों ने तो पूरा जगह कवर कर लिया है, मैं उन्हें थोड़ा सा ठीक ठाक सेट करूँगी एंड देन मैं उनके क्रिश के पास हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने बैल्कनी में आ चुकी हूँ और मैं अपने बैल्कनी से आपको मेरे बैल्कनी से जो आम का पेड़ दिखता है वो आम के पेड़ दिखा रही हूँ। वहाँ पे कितने बड़े बड़े साइज़ के आम लग चुके हैं, पूरा पेड़ भर के आम लगा हुआ है और इस पेड़ के आम बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। तो देखते हैं हम खा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस बार समर वकेशन में तो हम घर चले जाएँगे, तो उस समय क्या होता है कि जब भी आम पक जाता है तो क्वार्टर के और बाद बाकी जो रोग हैं वो तोड़ लेते हैं। तो देखते हैं होपली खा पाए। और आप देखते हैं दूर के जो आम के पेड़ है, छोटे छोटे आम के पेड़ उसमें भी आम लग चुके हैं। तो जो मुर्शिदाबाद है वो आम के लिए फेमस है, आम और लीचू के लिए। तो मैं आपको हो सके तो लीचू के पेड़ों का जो गार्डन है वो भी दिखाऊंगी और आम के पेड़ों का जो गार्डन है वो भी दिखाऊंगी, जो कि हमारे यहाँ से बहुत ही पास है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्रिश। तो क्रिश उठ चुका है और उसे भी मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाना है, तो मुझे लगा क्यों ना आप सबसे पहले उसको हाय हेलो बोल दूं। तो देखो कितने गौर से देख रहा है कि कैमरे में मैं आ रहा हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड अभी आते होंगे, उसके बाद हम सभी निकलेंगे, मतलब तो सब घूमने जाते हैं सुबह से घर के अंदर ना, बच्चे को अच्छा भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, सारा दिन घर के अंदर अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर से हम उसे लेके जाएंगे, वो भी आराम से चारों तरफ को देखता रहता है खुशी के मारे, वो भी इधर उधर देखता है, पहचानता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। तो अभी मैं शाम का चाय बना रही हूँ, तो चाय मेरी बन चुकी है और चाय पीने के बाद ही हम बाहर थोड़ा सा घूम के आएंगे। तो आज ऑफिस से रिटर्न आते वक्त मेरे हस्बैंड समोसा और जलेबी लेके आ गए थे, तो हम वही खाने वाले हैं। तो घूम के आने के बाद मैंने आटे को गोद लिया है, तो यहाँ पे मैं आटा गोद ले रही हूँ और उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रोटी भी बना ली है और अब हम रात का डिनर कर लेंगे। तो डिनर में आज मैंने दोपहर में जो सब्ज़ी थी वो बची हुई थी, तो उसी से रोटी सब्जी के साथ हम खा लेंगे और उसके साथ थोड़ा सा सैलेड। तो दैट्स इट, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।